हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के ब्लॉग की शुरुआत हमने करी है रात में, तो अभी हमारे डिनर की प्रिपरेशन चल रही है। तो आज हम बनाने वाले हैं पिनालू, जिन्हें कहा जाता है गडेरी भी। तो ये जो है उत्तराखंड के गांव से हमारे आए हैं और आज हम जर्मनी में जो है इसके मजे लेने वाले हैं। तो अभी मैंने ये बॉईल कर लिए हैं और छिलके जो है अभी ने बनाने की स्टार्टिंग करते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कैसे ये बने। तो मिशी, आप एक्साइटेड हो ये खाने के लिए? क्या है ये? पिनालू। पिनालू। अच्छा, तो ये हम नहीं लेके आए थे, हमारे एक फ्रेंड आने वाले थे, वो इंडिया गए थे, तो उनसे जो है घर वालों ने ये भिजवाए थे, एक टाइम की सब्जी। तो चलो अब बनाते हैं और मजे लेते हैं पिनालू के, है ना मिशी? तो मिशी, आपको कैसे लगते हैं पिनालू खाने? कैसे लगते हैं आपको? मजा आता है इन्हें खाने में? हेल्दी होते हैं। हेल्दी होते हैं। अच्छा, तो कौन से वाले पसंद करोगे खाना? दही डाल के इनमें मट्ठा डालेंगे, वो अच्छा लगेगा आपको? मट्ठा डाल के? ठीक है, तो मट्ठा डाल के हम इन्हें बनाएंगे। तो चलो अब इन्हें छीलना स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा ज्यादा जो है मेल्ट हो गए हैं, ज्यादा सीटी लग गई इनमें, लेकिन कोई बात नहीं, ये होने तो फिर भी टेस्टी हैं। आखिरकार इतने दूर से आए हैं, उत्तराखंड से, और हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हम जर्मनी में आके जो है इनकी सब्जी खा पाएंगे, क्योंकि यहाँ तो ये मिलना इम्पॉसिबल है। तो अभी घर वालों ने इतने प्यार से भेजा है, तो चलो बनाते हैं इसको और आपको भी दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी सब्जी। तो आज खाने में आने वाला है हमें मजा, क्योंकि आज हमारे घर में क्या बनने वाला है? पिनालू। पिनालू, पहाड़ी खाना बनने वाला है। तो वैसे तो पहाड़ में जो है गाँव में इसे भांग डाल के बनाया जाता है, बट यहाँ पर मैं भांग डाल के नहीं बनाऊंगी, छाछ ली है तो छाछ डाल के बनाऊंगी, और छाछ डाल के भी काफी बढ़िया उसका टेस्ट आता है, तो वैसे ही हम बनाएंगे। तो अब मैंने छील लिया है, अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। मिशी, सब्जी हमने छील के रेडी कर ली है और अब चढ़ा दी है गैस पे, और बनने के बाद आपको दिखाते हैं कैसी बनी है हमारी पहाड़ के पिनालू की सब्जी। सब्जी यहाँ पे हमने डाल दी है, पानी डाल दिया है, तो बॉयल तो ऑलरेडी है ये, तो ये तो पके हुए ही है, बट पानी में एक बार उबाल आ जाएगा। उसके बाद ये बटर मिल्क है, ये छाछ ली थी हमने, तो इसको डाल देंगे थोड़ा, तब इससे जो इसका टेस्ट है वो एनहेंस हो जाएगा, तो काफी मजा आएगा खाने में। हमारी सब्जी में जो है मट्ठा डालने के बाद यहाँ पे उबाल आ चुका है एक बार, तो ये पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और कैसी बनी है ये आपको बताएंगे, अभी रोटी रेडी करना है तो उसके बाद आपको बताएंगे कैसी बनी है। वैसे देखने में तो मस्त लग रही है, तो अच्छी ही बनी होगी, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में और फिर बताते हैं कैसी बनी है हमारी आज सब्जी। तो अब हमारा डिनर हो चुका है रेडी, ये रख दी है मैंने सब्जी, यहाँ है रोटी, और तो मिशी आप रेडी हो डिनर करने के लिए? मजा आएगा। ओके, तो मजा आएगा, चलो देखते हैं फिर कितना मजा आता है। ओ, मिशी को ज्यादा ही मजा आने वाला है लग रहा है। तो यहाँ पे मिशी आप चलो पहले, सबसे पहले आप टेस्ट करो और बताओ कैसा है। ये वाला है मेरा मम्मा। आपका? ये वाला है मेरा। चलो टेस्ट करके बताओ कैसा है, कैसी बनी है सब्जी। ये है आपका पानी, कैसी बनी है? अच्छी। अच्छी? हाँ। मस्त हो रही है? गांव की याद आ रही है खाके? हैं? गांव में खाते थे ना आप ऐसी सब्जी? थैंक यू बोलो दादी को। दादी सुनना है। दादी ने भेजी है ना? दादी ने भेजी ना ये गांव से। बोलो थैंक यू दादी। गांव जाकर बोलूंगी। अच्छा, गांव जाके बोलोगे? वो वीडियो देख लेंगे, आप बोल दो, आप यहीं से बोल दो, दादी वीडियो देख लेंगे आपकी ना। वहीं जाके बोलोगे? हाँ। सब्जी वाकई में बहुत टेस्टी बनी है। सब्जी अभी मैंने टेस्ट करी, बहुत मजा आ रहा है, मस्त हो रही है ना मिशी? मजा आ गया खाने में। और जब से हम जर्मनी आए हैं ना, तब से आज फर्स्ट टाइम इसे खा रहे हैं, क्योंकि हम लाए तो थे नहीं। तो घर वालों को इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, सब्जी भिजवाने के लिए। बहुत मजा आ रहा है खाने में, और इसके आगे, इस पहाड़ी सब्जी के आगे ना महंगी महंगी सब्जियां भी फेल है। बहुत टेस्टी बनी है और बड़ा मजा आ रहा है आज डिनर करने में हमें। तो चलिए अब हम अपना डिनर कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।